सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है 10 बजे से और मैं जा रही हूँ अपने खेत में। आज मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रहा है। कल रात काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है तो बहुत खेतों में काफ़ी राहत मिली हुई है और वहाँ ममता दीदी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जा रही हूँ बांस काटने और शायद ममता दीदी लकड़ी बनाने आ रही होंगी। वरना यहाँ ममता दी पहले से ही आई हुई है शायद लकड़ी बनाने। कुछ आवाज़ से आ रही। और इधर को है हमारा घर। हमारा घर ना यहाँ पे है और इतनी दूर में यहाँ बांस काटने आई हुई हूँ। क्या उस तक आगे छा आगे छा तुम अगला तो फोन करो उसका। यार जोर जब हलवल बना रखो यार। लेट बैट वेयर यार। ममता दी ने हाँ बाज भी काट के रख दिए मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यार। तुम उस फोन करते ही आगा नाला। अच्छा ममता दी लकड़ी बना रही है यहाँ पर और मैं बना रही हूँ बाज। एक पंथ दो काज हो गए हमारे। लकड़ी भी हो गए। तली का फाकला हाँ बहुत भैर रहा। यहाँ पे मेरी गाय अभी बाज खा रही है। मैं सुबह काट के लाई थी जो और मैं ना इनके लिए रोटी लेके आई हूँ। काफ़ी पसंद होती है जानवरों को रोटी। ये ले ये ले ये ले तू भी खा ले ले। अरे इनके लिए ना दो रोटी बचा के रखनी पड़ती है। और ना हमारे घर के ठीक के ऊपर पे यहाँ पे देखिए यहाँ एक होम स्टे बन रहा है और काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पर चार पांच तंबू जैसे दिखाई दे रहे हैं। प्लास्टिक पन्नी के टेंट हाउस जैसे बनाए हुए हैं और ये ना गर्मियों के लिए टूरिस्टों के लिए रहने के लिए खूबसूरत सा होम स्टे बन रहा है। और कभी अगर हो सकेगा तो आपको। अभी मेरी तैयारी हो गई है दिन का खाना बनाने की। और दिन के खाने में ना मैं ये टमाटर और ये प्याज लहसुन लेके आई हूँ। इसका ना मैं पुलाव बनाने वाली हूँ और मटर का। अभी पापा और मम्मी लोग हल्द्वानी से आने वाले हैं तो उनका फ़ोन आया है कि मटर पुलाव बनाना करके। पापा को ना पुलाव बहुत पसंद है तो मैं अभी उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और आप लोग वीडियो पर बने रहिए। अभी मेरी तैयारी हो गई है खाना बनाने की और मैं यहाँ पर कड़क पुलाव चढ़ा देती हूँ। हल्का हल्का पुदीना हो रहा तो मैं पुदीना तोड़ के ले जाती हूँ और चटनी बनाने के काम आएगा। यहाँ पर हो रहा पुदीना। आजकल थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है ना तो बारिश से ये पुदीना तो है जो है अच्छा सा पंगुने लग गया है। ये देखिए और पुदीने की तो थोड़े ही पत्तों से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग जाती है धनिया में उसमें चटनी में। और चटनी के लिए मैं थोड़ा सा धनिया भी तोड़ के ले जाऊंगी। और अब चलते हैं धनिया तोड़ने। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना इस पुदीने की। अरे यहाँ पर लीली को प्यास लग गई। यहाँ पर लीली पानी पी रही है। अच्छा पानी की प्यास लग गई। पियो पियो। और यहाँ पर बोया है हमने धनिया। धनिया काफ़ी अच्छा हो रहा था हमारा लेकिन ना यहाँ पर परसों बंदर आ गए तो बंदर ने ना पूरा धनिया ऊपर का चुन के खा दिया है।
और कुछ कुछ पत्ते अब हो रहे हैं। बहुत सारा धनिया बंदर ने ना तोड़ के खा दिया है और यहाँ काफ़ी बंदरों का उजाड़ा है। बंदर मैं ना अभी जो चटनी बनाऊंगी वो इन भांग के बीजों का बनाऊंगी। ये जो भांग के बीज होते हैं ना ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं ना इस भांग के दानों को एक फ्राई पैन में भून लेती हूँ। भून के ना इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है और वैसे भी चटनी जो है भून के ही बनाई जाती है। तो मैंने चटनी का मसाला तैयार कर लिया हुआ है। ये पुदीना, धनिया हो गया, ये नमक और ये हरी मिर्च, इन सबको ना पीस के शानदार सी चटनी बनाते हैं। और ये जो नींबू है इसको ना बाद में निचोड़ के रख डालेंगे। और ना मेरी ये चटनी बनके तैयार हो गई है और मैंने इसमें निचोड़ दिया है नींबू। रोड को क्योंकि ना मम्मी पापा आ गए हैं, शायद कुछ सामान लाए हैं तो वो मुझे रोड तक बुला रहे हैं। आप वीडियो पर बने रहिए, आगे की वीडियो और अभी और बाकी है। और ये बिल्ली फिर मेरे पीछे पीछे चल दी। और इधर ना सामने पे एक रोड आ रही है नीचे को, काफ़ी समय से इस रोड का काम लगा हुआ है और नेपाली लोग वहाँ काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम इस रोड को बनने में लगेगा। ये रोड यहाँ से सीधे ऊपर ऊपर ही ये हमारे खेतों की तरफ आ रही है। और मम्मी पापा दोनों आ गए हैं घर को, मैं गई हूँ रोड पे सामान लेने, तो थोड़ा बहुत सामान मैं भी लेके आ रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सामान मम्मी और पापा लेके आ रहे हैं। अरे वाह मेरे लिए टकाटक कमाल ले, गुड। जा बैग को अंदर रख क्या, बैग को अंदर रख क्या। अभी आ गई हम्म, अभी किले यहां पे सिग्नल आ गया ना भी नेट आ। अरे सीमा ने मम्मी दर में नैन है, मैं का समझा पेटन भरी हम्म, समझा पेटन भरी तो ने खान। और यहाँ पे ना ये देखिए, वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए ये मैंने मंगाया है ट्राईपॉड। ये ना मेरे हस्बैंड जी लाए थे और ये है एक माइक जिससे कि मेरी आवाज़ क्लियर आएगी। और मेरी आवाज़ ना अक्सर वीडियो में काफ़ी कम आती है तो ये माइक मेरी देवरानी ने ले रखा है। थैंक यू अपनी सीमा देवरानी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ना मैं इससे वीडियो बनाऊँगी और आवाज़ भी इसी से ही आएगी अब फ़ोन में। आज ना मैंने एक नया एप्पल बनाने का एक नया टूल मंगा रखा है, इसे ना काफ़ी अच्छे से बर्तनों में पेंट हो रहा है, एप्पल बनाया जा रहा है, मतलब इससे काफ़ी बढ़िया से, जैसे जो बर्तन होते हैं उनमें अगर हम पेंट करके एप्पल बनाए तो उसके लिए बहुत अच्छा यूज हो रहा है ये। और यहाँ पर मम्मी ने हल्द्वानी से लेके आई हुई है क्या बोलते हैं उसको, पपीता। और यहाँ पर पपीता का आनंद लिया जा रहा है, काफ़ी टेस्टी हो रहा है, घर का पपीता है तो भला को मंगा। और ये देखिए जो एप्पल टूल मैंने आज मंगाया था उस एप्पल टूल से 10 मिनट में मैंने लोटा पूरा अपन कर दिया है और काफ़ी जल्दी से इसमें काम हो रहा है। और आज ना शाम की सब्जी के लिए ये मम्मी लोग लाए हुए हैं हल्द्वानी से तौड़, और आज इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है और ये ना बिल्कुल एकदम पहाड़ी नेचुरल सब्ज़ी होती है और इसकी ना तासीर काफ़ी गर्म होती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अभी ना हमारे घर से पूरी तरीके से सनसेट हो चुका है और लास्ट सूरज की किरण इस पहाड़ी पर रहती है और वो भी चली गई है। यहाँ के एरिया में आसमान में अभी कुछ कुछ लाल लाल से बादल दिख रहे हैं। हमारे पहाड़ी में ना एक कहावत कहते हैं कि भो देहोल के शो देहोल, इसका मतलब ये हुआ कि या कल बारिश होगी या 16 दिन बाद बारिश होगी। तो
तो कहते हैं पहाड़ी में, हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं कि ये लाल बादल हमें ये संकेत देते हैं कि या तो बारिश कल होगी या फिर 16 दिन बाद होगी। और यहाँ पर ना बादलों की नेचर से एक अलग ही डिज़ाइन बन के आ गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो कि बादलों से आसमान को सजाया गया हो। और इस तौड़ की सब्ज़ी ना हमारे वहाँ ऐसे सिलबट्टे में थेच के बनाते हैं और इसका स्वाद ना काफ़ी टेस्टी होता है। शाम का समय हो गया है और अंधेरा जो है पूरी तरीके से होने लग गया है। तो आज की वीडियो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मैं शोभा धर्माल मिलती हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।